हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया, वो एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इस समय काफी अट्रैक्टिव रेट्स पे मिलता है। अगर ओवरऑल स्टॉक के सिनारियों की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है और FMCG सेक्टर को बिलोंग करता है और इस स्टॉक का नाम है डाबर। काफी दिनों के बाद ये स्टॉक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के रेडार पे आया है और पिछले 2-3 दिनों का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है स्टॉक का, अब लग रहा है ये स्ट्रॉन्गली 550 के ऊपर से फिर से ब्रेकआउट देगा और इसीलिए आज के दिन पे डाबर को फिर से एक बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और रिसेंटली Q4 के रिजल्ट भी काफी अच्छे डिसेंट नंबर दिए थे। तो जिन इन्वेस्टर्स को डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद है, जिनको स्लो मूविंग स्टॉक्स पसंद है, जिनमें कैपिटल सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा, वैसे ही स्टॉक है डाबर लिमिटेड। आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में भी डाबर ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। ओपनिंग में ओपन हुआ था करीबन 506 के आसपास, 515 का इसका डे हाई था और वहां से फिर उसी लेवल्स के आसपास इसने क्लोजिंग किया। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के दिन पे, हमने वीकली जो हमारा हाई था इस हफ्ते का वो था 515,710 के आसपास और उसी के आसपास हमने क्लोजिंग किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट किया पूरे हफ्ते। पूरे हफ्ते अगर निफ्टी का और सेंसेक्स का पॉजिटिव बायस अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी ने दिया है। दूसरे सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर, M&M बेहतरीन मूवमेंट दिया। M&M को इस हफ्ते मैंने सजेस्ट किया था जब वो स्टॉक कभी 1000 के लेवल्स पे था और आज ये 1070 के लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है। ओवरऑल सिनेरियो देखें M&M का इस समय तो बहुत ही बुलिश दिख रहा है चार्ट पैटर्न, लेकिन अब यहाँ पे बाय एंड डिप का स्ट्रेटेजी अपनाइए अगर M&M में आपको इन्वेस्ट करना है तो। साथ ही में मैंने जुबिलेंट फूड्स इस हफ्ते रिकमेंड किया था जो चला। साथ ही में मैंने काफी अच्छे स्टॉक सजेस्ट किए थे, बर्जर पेंट जिसमें भी मूवमेंट आज हमने देखा, बलरामपुर चीनी कई दिनों से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आज फिर से एक बार शुगर स्टॉक्स में तेजी का माहौल बना। तो काफी सारे सेक्टर्स थे जो आज तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, शुगर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर में आज अच्छा खासा मोमेंटम था, फार्मा सेक्टर में पार्टिसिपेट किया आज के दिन पे। एक सिर्फ IT पैक हमें आज थोड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे डिटोरिएट होते हुए दिखा, उसका कारण था एक्सटेंशन के रिजल्ट्स। एक्सटेंशन के रिजल्ट्स जिस हिसाब से आने चाहिए थे उस हिसाब से नंबर्स आए नहीं, उसी वजह से IT पैक पे प्रेशर देखा हमने। और अगर IT पैक भी अगर पार्टिसिपेट करता आज की रैली में तो शायद 15,750 का जो मेजर क्रूशियल लेवल था वो आज ही के दिन हमें देखने मिल जाता आराम से। लेकिन जो लेवल दिया है बैंक निफ्टी ने 33,600 के ऊपर क्लोजिंग, और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 15,700 के ऊपर, वो बढ़िया लेवल है क्लोजिंग का और आने वाले हफ्ते में ये तेजी हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। अब मेजर क्रूशियल लेवल बनेगा 15,750 का, जो इस हफ्ते इजीली हमें लग रहा है क्रॉस कर देंगे। अब वो सस्टेन होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा डाउ फ्यूचर्स पे और नैसडैक फ्यूचर्स पे। अगर आज रात को डाउ फ्यूचर्स और नैसडैक फ्यूचर अच्छी खासी मोमेंटम से बंद हुए तो मंडे शायद ओपनिंग में ही हमें 15,750 के लेवल्स क्रॉस होते हुए दिखेंगे। ओवरऑल सिनेरियो इस समय पॉजिटिव है और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले दो सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एडवाइजरी प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, जिन्होंने एडवाइजरी प्रोडक्ट में अब तक अलॉटमेंट नहीं लिया है, इस वॉलेटाइल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना इजी हो जाएगा अगर आप एडवाइजरी प्रोडक्ट में अलॉटमेंट लेते हैं तो। साथ ही में आपको नए कॉल्स डिलीवरी बेस, इंट्राडे, FNO बेस सब कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के कॉल प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट आज में आप फोन के थ्रू हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो किसी भी एडवाइजरी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे है वो YouTube लाइव। एवरी सैटरडे दोपहर को 3 बजे YouTube लाइव कंडक्ट होता है। YouTube लाइव में जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, उस समय उसके आंसर दीजिए। तो जितनी जल्दी हो सके इस दोनों स्कीम का फायदा लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। तो चलिए डाबर की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं डाबर के लेटेस्ट न्यूज में नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली डाबर को मैं आज फिर से क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ उसको समझते हैं और उसके बाद समझेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट। और जैसे मैंने कहा, जिन इन्वेस्टर्स को स्लो मूविंग स्टॉक पसंद है, डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद है, ऐसे स्टॉक्स पसंद है जहाँ पे उनकी कैपिटल सिक्योरिटी कह सकते हैं यहाँ पे बढ़ जाती है, तो वैसे एक स्टॉक है डाबर, क्योंकि कम वॉलेटाइल स्टॉक है और ज्यादा करके इसकी अगर पैटर्न देखे तो कंसोलिडेशन फेज वाली पॉजिटिव बायस के साथ रहती है। तो ITC, मैरिको टू ब्रिटानिया, दिस 5 FMCG स्टॉक्स ट्रेड अबाउट प्री पेंडेमिक लेवल्स। यानी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पेंडेमिक के पहले जो इनके लेवल थे उसी लेवल्स पे फिर से ये स्टॉक आ चुके हैं। 2020 की बात करें, जनवरी 2020
This FMCG stock and its pre-COVID high of ₹500 rupees level on NSE, whereas Dabur share price today is ₹405, slightly higher from its pre-COVID levels. तो जहां पे कोविड के पहले ये लेवल्स थे वो लेवल्स फिर से आ चुके हैं इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग इन करेक्शन मोड, और एफएमसीजी सेक्टर हम देख रहे हैं काफी प्रेशर में। काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स अब तक वो प्री कोविड लेवल्स टच नहीं कर पाए, लेकिन डाबर एक ऐसा स्टॉक है जो फिर से एक प्री कोविड लेवल्स पे आ चुका है। डाबर इंडिया की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे 605 का टारगेट दिया है, और रिसेंटली हमने मोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे एफएमसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अच्छा खासा मोमेंटम पाम ऑयल में देखा गया है। रिसेंटली अगर आपको याद है 1.5 से 2 महीने पहले इंडोनेशिया ने बैन लगाई थी पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे, जिस वजह से एफएमसीजी सेक्टर काफी प्रेशर में था, लेकिन जैसे ही ये एक्सपोर्ट कह सकते हैं यहाँ पे बैन हटाया गया है, इतना यहाँ पे सप्लाई आ चुका है यहाँ पे स्पेसिफिकली पाम ऑयल की के काफी सारे कंपनीज ने अपने रेट्स एडिबल ऑयल्स के रेट घटाए हैं, साथ ही में जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि एफएमसीजी के जितने भी कंपनीज देख लीजिए हर एक प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पाम ऑयल लगता है। डाबर के भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें उनको पाम ऑयल लगता है, क्योंकि पाम ऑयल का प्रोडक्ट या सप्लाई काफी ज्यादा है, साथ ही में प्राइसेस काफी गिर रहे हैं तो उनके मार्जिन भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कहीं ना कहीं सब में पाम ऑयल यूज होता है, और क्योंकि पाम ऑयल का सप्लाई काफी ज्यादा है, पाम ऑयल के प्राइसेस भी कम हो चुके हैं, उस वजह से सभी कंपनीज के मार्जिन अच्छे खासे मोमेंटम के साथ इंप्रूव हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो इंडोनेशिया का जो बैन हटाया गया है उस वजह से अडानी विल्पर जैसी कंपनीज, मदर डेरी जैसी कंपनीज, धारा जैसी कंपनी जो एडिबल ऑयल बनाती है, उन फॉर्च्यून ब्रांड, इन्होंने अपने एडिबल ऑयल्स की भी प्राइसेस कम किए हैं, क्योंकि उनको सामने से ही प्राइसेस अगर रॉ मटेरियल के कॉस्ट के कम पड़ रहे तो उन्होंने जो प्राइसेस बढ़ाए थे करीबन 2 महीने पहले वो प्राइसेस फिर से एक बार उन्होंने कम किए। एनालिस्ट ने करीबन इस वोलेटाइल मार्केट में 19 ऐसे पिक्स चूज किए थे जो अच्छा खासा कह सकते हैं डिफेंसिव मूव आपको दे सकते हैं, और उसमें से यहाँ पे डाबर एक ऐसा स्टॉक है, और स्पेसिफिकली वॉरेन बफे का अगर आप कोट देखें, famously said one should be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, तो ये अगर कोड को properly apply करें इस volatile market में तो ऐसे stocks को choose कीजिए जो defensive है, अच्छे खासे momentum में है, और sector wise अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में भी ये momentum में रहेंगे। उसमें से एक डाबर जैसा stock है जो अपने pre-pandemic levels पे फिर से एक बार आ चुका है, जबकि काफी ऐसे FMCG के stocks है जो अब तक pre-pandemic levels touch नहीं किए। डाबर की बात करें तो डाबर का क्योंकि जैसे मैंने कहा काफी सारे प्रोडक्ट्स है डाबर के जिसमें पाम ऑयल यूज होता है, और क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं सप्लाई काफी ज्यादा है उस वजह से उनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और इस यही फैक्टर उनके क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में क्लियर दिखेगा कि उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखें, बॉटम था 483 का, आज के दिन हाईएस्ट 515 का था, 3 महीने का अगर हाईएस्ट पॉइंट देखें तो 580 का था, लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखें तो 480 के आसपास है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा पूरे महीने में 4 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और स्पेसिफिकली आज के दिन की बात करें तो 22 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 11 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। रेवेन्यू पैटर्न 2018 में 7720 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, और 2022 की बात करें 10880 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया। नेट प्रॉफिट 2018 में 1357 करोड़, इस बार 1740 करोड़ के आसपास। EPS 2018 में 7.69, इस बार EPS 9.84, यानी 5 साल में रेवेन्यू भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, EPS भी बढ़ा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में दिख रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 67% इंटैक्ट है, FIS के पास 20.43%, DIS के पास 3.83, पब्लिक होल्डिंग्स है करीबन स्पेसिफिकली 3% के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा देखिए, 75 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया, 9 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया। डिफरेंस बाइंग साइड में आया, क्वांटिटी है 64,52,000 शेयर्स, 64,52,000 क्वांटिटी ऑफ डाबर हैव बीन बॉट इन द मंथ ऑफ मई बाय 75 म्यूचुअल फंड कंपनीज, और सामने 9 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल भी किया। RSI 50 है, MFI 43 है, दोनों ही न्यूट्रल जोन पे, लेवल्स बढ़िया है, म्यूचुअल फंड डेटा अट्रैक्टिव है, ब्रेकआउट पे आ चुका है ये स्टॉक, 500 के ऊपर करीबन एक हफ्ते से क्लोजिंग दे रहा है, तो एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है चार्ट पे। नियर टर्म टारगेट रखिए 550 का, शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है तो एटलीस्ट 600-650 तक स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए,
एग्जैक्टली आपको हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।